प्रेज लॉर्ड। दोस्तों आज मैं आपसे ऐसे पांच बाइबिल वचनों के बारे में बात करना चाहता हूं जिनके द्वारा हमारे जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम हुए जो हमारी सोच से हमारी समझ से परे थे। ऐसे अद्भुत काम परमेश्वर ने इन बाइबिल वचनों के द्वारा हमारे जीवनों में किया और हम आशा करते हैं यदि आप इन बाइबिल वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और इन पर विश्वास करेंगे, इनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो प्रभु आपको भी आशीषित करेंगे। पहला वचन है यिर्मयाह 29:11। यिर्मयाह 29:11 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। और जब हमने इस बात को जाना तो हमने इस पे विश्वास किया। हम कैसी भी परिस्थिति में हों परंतु हमने विश्वास करना सीखा कि परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे भले के लिए है, परमेश्वर हमारी आशा को पूरा करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवनों में बहुत सारी आशीषें दी। दूसरा जो वचन है लिखा है उत्पत्ति उसका 22 और उसके 14 पद में कि अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। मेरे प्रियो, जब हमने ये वचन पढ़ा कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है तब हम उस पर पूर्ण रूप से डिपेंड हो गए कि परमेश्वर हमारे लिए हर एक परिस्थिति में उपाय करेगा। चाहे हमें कोई रास्ता आगे नजर ना आए परंतु हम फिर भी विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा और वो हमारे लिए उपाय करता है। जब हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए करता है और उसने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े उपाय हम लोगों के लिए किए हैं। तीसरा जो वचन है मरकुस 11:24 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हमने इस वचन को पढ़ा और इस पर मनन किया तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने हम पर यह रिवील किया, ये हमें बताया कि जो कुछ हम प्रार्थना में मांग रहे हैं अब हम विश्वास कर लें कि वो हमें मिल गया है। अब हम उस बात के लिए प्रार्थना न करें, उस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि जो कुछ हमने तुझसे मांगा है तूने हमें दे दिया है। और हम हमेशा उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमने वो पा लिया है और हमारे जीवनों में इस वचन के द्वारा बहुत अद्भुत अद्भुत काम हुए, बहुत बड़े बड़े काम हुए। हमने एक बार प्रार्थना की और हजार बार उसके लिए धन्यवाद दिया और परमेश्वर ने उस बात को हमारे लिए पूरा कर दिया। चौथा जो वचन है वो लिखा है भजन संहिता 23:1 में कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। और मेरे प्रियो, जब हमने ये वचन को पढ़ा तो हमें परमेश्वर पे और विश्वास हो गया कि वो हमारा चरवा है और वो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होने देगा। और इसलिए हम रोज उसका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमारा चरवा है और तू हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होने देगा। और उसका वचन हमारे जीवन में पूरा हुआ कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं रही। और पांचवा जो वचन है वो लिखा है यहोशू की किताब 1:8 में कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रखना, इसलिए कि जो कुछ उस पुस्तक में लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है कि हमारे काम सफल होंगे जब हम रात दिन उसकी व्यवस्था के पुस्तक पर मनन करते रहेंगे। ये जो बाइबल है उस पर हम जब रात दिन मनन करेंगे, उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे कामों को सफल करूंगा और तू प्रभावशाली होगा। और जब हमने ये अपने जीवन में करना शुरू किया, व्यवस्था पर बाइबल पर जब अध्ययन करना मनन करना हमने शुरू किया तो सच में हमने परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखा, उसने हमारे कामों को सफल किया और हमें प्रभावशाली बनाया। सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इन पांच वचनों के लिए जिनके द्वारा उन्होंने हमारे जीवनों में बड़े बड़े और अद्भुत काम किए। यदि आप भी इन वचनों पर विश्वास करेंगे और इनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर निश्चय आपको भी आपके जीवन में भी अद्भुत और बड़े बड़े काम करेंगे, फिर आपके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं होगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।